गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन 2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के 16 मतदान केंद्रों का अनुमोदन किया है, जहां पर मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। जनपद में बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज, डीवी इंटर कॉलेज दीवान बाजार, अभिनंदन इंटर कॉलेज चरगावा, पंचायत कार्यालय रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय डीएवी डिग्री कॉलेज, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, तुलसीदास इंटर कॉलेज, पंचायत कार्यालय पिपराइज, तहसील कार्यालय चौरी चौरा, पंचायत कार्यालय सजनवा, भूमिधर इंटर कॉलेज बांसगांव में तहसील कार्यालय, गगा में क्षेत्र पंचायत कार्यालय तथा गोला में क्षेत्र पंचायत कार्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको लेकर जोनल मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने कहा, लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, जो जो खराब हो गया, तो लाइट चल रही है, ऑर्डर लगे हुए हैं, चल रही है, पता नहीं कौन है, इसको हटा देना, ठीक है, खाली हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और इसके लिए यहाँ पर वॉशरूम बाहर होंगे, इसके लिए ये दोनों है, ठीक है, वो हाँ मतलब खोल लो एक बार। डीबी हो गया, अभिनंदन हो गया, चरगांव हो गया। दिसंबर के जो एमएलसी के चुनाव के मद्देनज़र पूरे जनपद में 16 मतदान केंद्र बने हैं, पोलिंग स्टेशंस, उसी के लिए हमारे तहसील सदर में 16 में से 9 हैं शहर क्षेत्र में, तो उसी 9 के विभिन्न जगहों पर जो बने हैं मतदान स्थल, उसी का हमने निरीक्षण किया। और जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो होती है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, रैम्प की व्यवस्था, बेसिक फर्नीचर, ये सब हमने देखा हमारे लेखपाल और हमारे रेवेन्यू टीम के साथ। जो कोई भी कहीं कमी छूटी है उसको दिशा निर्देश दिए गए कि उस कमी को पूरा करें। जैसे डीबी इंटर कॉलेज में कुछ जगह पे बाउंड्री टूटी हुई है, तो हमने नगर निगम को बता दिया है कि वहाँ उसकी बैरिकेटिंग करा लें। जैसे कहीं कहीं वॉशरूम नहीं है, तो वहाँ पे हमने मोबाइल टॉयलेट के लिए बोल दिया है। तो इसी को, चूँकि इसमें कमिश्नर सर का भी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि सारे पोलिंग स्टेशन पे सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और ये चुनाव जो है बड़े सुचारू रूप से संचालित होने चाहिए। इसी के मद्देनज़र आज हमने सभी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और जो कमियाँ हैं उसको तत्काल पूर्ण कराने के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। सर, क्या टाइम होगा मतदान का? मतदान का जो नॉर्मल टाइमिंग होता है, निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हैं उनका स्पष्टतः पालन किया जाएगा। कल हमारी पोलिंग पार्टीज जो हैं शाम तक आ जाएंगी, तो उनके स्टे के लिए भी, उनका स्टे ठीक रहे उसके लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था की है।